हेलो फ्रेंड, यूनिक यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बेड बग यानी कि खटमल मारने का घरेलू उपाय। जी हाँ दोस्तों, घरेलू तरीके से आप खटमलों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उन्हें कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, खटमल एक ऐसा इंसेक्ट है जो आपकी रातों की नींदें हराम कर देता है। दिन भर मेहनत करते हैं, रात को सोने के लिए आप अपने बिस्तर के पास जाते हैं तो वो पहले से ही आपका इंतज़ार कर रहा होता है। खटमल एक ऐसा इंसेक्ट है जो 3550 साल से इंसानों का खून चूस रहा है। तो दोस्तों, खटमलों को मारने का घरेलू उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलते रहे। तो मैं आपको बताता हूँ कि खटमलों को कैसे मारते हैं। उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखें, तभी आप अपने घर के खटमल यानी कि बेड बग मार सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इसकी कुछ सावधानियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जो आपको इस नुस्खे में इस्तेमाल करने के लिए कुछ सावधानियाँ होंगी। तो इसका बनाने का तरीका और आपको क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करनी है, तो देखिए, ये मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन ऑयल बाज़ार से मिल जाएगा, और ये है नेप्थलीन बॉल यानी कि नेप्थलीन बॉल फिनाइल की गोली। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मिट्टी का तेल लेंगे और नेप्थलीन बॉल लेंगे। कितनी क्वांटिटी में लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक ये चाहिए इस तरह की स्प्रे बॉटल। तो हमने ये चार फिनाइल की गोली ली है, ये चार फिनाइल की गोली यानी कि इसे बोलते हैं नेप्थलीन बॉल और फिनाइल की गोली हिंदी में, जो कपड़ों में कीड़े मकोड़े मारने के लिए रखी जाती है। और ये एक लीटर मिट्टी का तेल है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी का तेल हमने क्या किया, ये पहले से ही फिनाइल की गोली का पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को इस मिट्टी के तेल में मिक्स करेंगे, तो मैं आपको मिक्स करके दिखा देता हूँ। फिनाइल की गोली का जो पीस के पाउडर बनाया हमने, वो हम इसमें पतीले में डाल लेते हैं। ये पतीला हमने इसी काम के लिए लिया है कि आपको मिश्रण बनाकर यानी कि सामग्री बनाकर दिखाएं। अब इसके अंदर पूरा एक लीटर मिट्टी का तेल इसमें डाल लेंगे। इसको पूरी तरह, या कोई लकड़ी ले लें, मेरे पास तो चम्मच है, ये बेकार चम्मच है क्योंकि अब ये किसी यूज़ में नहीं आ सकती, और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये अच्छी तरह से घोल लो, और अगर हो सके, अगर इसे छान सकते हैं तो छान भी लें। अब इसको इस घोल को इस स्प्रे पंप को खोलेंगे, इस तरह से खोल कर इसके अंदर मिट्टी के तेल वाला घोल नेप्थलीन बॉल को पीस कर पाउडर बना लिया है, और एक लीटर मिट्टी के तेल में उसको मिक्स कर लिया है। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस स्प्रे बॉटल में भर लेते हैं। इसको हमने बंद कर दिया, दोस्तों इसमें हमने घोल यानी कि मिश्रण बनाकर डाल लिया है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूं, वो बहुत ज़रूरी है। इस मिट्टी के तेल और फिनाइल यानी कि नेप्थलीन बॉल के मिश्रण को इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियां आपको बहुत ज़रूरी बरतनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मुँह पर यानी कि अपने मुँह पर एक मास्क इस तरह का मास्क
और इस तरह से अपने मुंह पर जरूर बांध लें, ऐसे। तो मैं ये आपको दिखाने के लिए, या अगर आपके पास मास्क नहीं है तो मुंह पर कपड़ा बांध लें, मुंह पर कपड़ा बांध लें या रुमाल बांध लें, और आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मिट्टी का तेल और नेफ्थलीन बॉल दोनों बन के एक पॉइजन यानी कि जहर बन गया है, जो खटमलों को मारने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें आपको करना क्या है कि इससे हवाएं भरनी है। ये हवा भरी गई और ये नोजल को सेट कर ले यानी कि फुहारा बना ले या तेज करने के लिए। ये मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रेशर बन रहा है और ये इस हिसाब से आप इसको बना लें, और ये उस जगह पर इस्तेमाल करें जहाँ पर खटमल हैं, हर जगह पर, कोने में, बेड के, और जिस जिस जगह पर आपको खटमल दिखाई देते हैं वहाँ पर छिड़काव कर दें। और इसको इस्तेमाल करने से पहले एक और सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, यानी कि दूसरी सावधानी है कि अगर आपको एलर्जी है, जी हाँ दोस्तों, एलर्जी है या ब्रोंकाइटिस है या अस्थमे की कोई प्रॉब्लम है, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जी हाँ दोस्तों, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और तीसरी चीज एक और बता देता हूं कि जैसे आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यानी कि ये मिश्रण का इस्तेमाल किया, छिड़काव किया है, उसके बाद के अंदर 2 से 3 घंटे तक कोई नहीं जाना चाहिए, जब तक उस केमिकल की यानी कि उस मिश्रण की बदबू आती है, और उस मिश्रण की बदबू को पूरी तरह निकालने के लिए घर के दरवाजे, खिड़कियां सब खोल दें और एग्जॉस्ट फैन चला दें। तो अब एक और चीज बताना चाहूंगा, इस मिश्रण को इस्तेमाल करने के बाद आपके जितने भी बचे हुए कपड़े हैं, जैसे कि आपके पहनने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े, बिछाने के कपड़े, उन सबको एक बाल्टी में डिटर्जेंट पाउडर घोल लें और उसके अंदर कुछ डिटोल भी डाल लें। डिटोल क्या है कि एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, जिससे डिटोल और डिटर्जेंट पाउडर के मिश्रण से जो बचे हुए कपड़ों के अंदर बेडबग्स के एग्स है यानी कि बेडबग के अंडे हैं, वो सारे मर जाएंगे। या दोस्तों, जो बेडबग के बचे हुए अंडे हैं, डिटर्जेंट पाउडर और डिटोल के घोल को पानी में मिक्स करने के बाद उसमें जो कपड़े भिगोएंगे उससे सारे एग्स यानी कि खटमल के सारे अंडे मर जाएंगे और पूरी तरह से आपको खटमलों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ और सावधानियां हैं, वो भी मैं अभी बता देता हूं आपको, कि इस घोल से यानी कि इस मिश्रण से बच्चों को, पालतू जानवरों को दूर रखें, यानी कि ये एक तरीके का जहर हो गया है, और इससे इस्तेमाल करने के बाद आप अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं, आप अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं। जी हाँ दोस्तों, तो ये था खटमलों को मारने का बहुत ही सरल और आसान तरीका। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस नुस्खे से आपके घर के सारे खटमल मर जाएंगे। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।